दोस्तों, आप सभी को मेरे प्रणाम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मॉर्निंग ससुराल में। और बहुत दिनों बाद आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेसिक मसालों के साथ है, जिसके लिए 3 टमाटर रफली चॉप कर लिए थे, कुछ मखाने, कुछ काजू, 1 हरी मिर्च, 2 इलायची, कुछ मगज के बीज। तेल गर्म होते ही कढ़ाई में इन सबको डाल लिया, हल्का फ्राई कर लेंगे इनको। तब तक हमारे ये चिपते के सॉफ्ट ना हो जाए टमाटर। और इतनी अच्छी रेसिपी है, पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अच्छी और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, टेस्टी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। बच्चों के आप टिफिन में भी दे सकते हैं और यूज। बहुत टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और एक बार जरूर इस तरीके से पनीर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है, बहुत ही बेसिक मसालों के साथ। और बहुत कुछ इसमें होता है, प्रोटीन वगैरह, तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं इसको। बस आपको रफली चॉप करके इन सारी चीज़ों को एक साथ डाल देना है तेल गर्म होते ही, और तब तक आपको इसको फ्राई कर लेना है जब तक कि टमाटर हमारे सॉफ्ट ना हो जाए। इसमें थोड़ा सा अदरक, आप इसमें लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं, और कुछ खड़े मसाले जैसे तेजपत्ता, मोटी इलायची या बड़ी इलायची जिसको बोलते हैं, और भी खड़े मसाले जो आप खाना चाहें वो डाल सकते हैं। बट मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ज़्यादा मसाला हमें डालूंगी नहीं, क्योंकि हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है मसाला ज़्यादा, इसलिए। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको 5 मिनट ढक के पका लेंगे। इस तरीके से ये सॉफ्ट हो चुका है, मैं इसको चेक कर लूँगी एक बार। हाँ, ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, काजू भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, ये देखिए। बस इनको हम अब वो कर लेंगे, क्या ग्राइंड कर लेंगे इनको, मिक्सी में घुमा लेंगे। और ये कुछ पनीर है जिनको मैंने फॉर्क से इस तरीके से इसमें डॉट डॉट कर लिए हैं। पहले मेरे दिमाग में था कि मैं इसको फ्राई करूँ, फिर मेरी बेटी ने बोला कि आज फ्राई नहीं करना है आपको, ऐसे ही डाल दो, ये वैसे भी सॉफ्ट है। तो फिर मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया। आप इसको फॉर्क से इस तरीके से करके, आप इसको फ्राई करके भी पनीर को डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है फ्राई करके। बट उसने बोला कि नहीं खाना ऐसे ही, तो उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, उसमें साबुत धनिया, जीरा। फ्राई होते ही इनको थोड़ा सा गर्म होते ही हम यहाँ पे अपना मसाले भी डाल देंगे, जैसे कि हल्दी, धनिया और एक चुटकी गरम मसाला थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे हम। और जब तक कि ये अच्छे से मसालों में से धुआं ना आ जाए, तब तक आपको मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है, क्योंकि नहीं तो मसालों की स्मेल आएगी, इसलिए इनको अच्छे से पकाना है हमें, ताकि ये पक जाएँ अच्छे से हमारे मसाले। और यहाँ पर ये तेज हो चुका था और धुआं भी निकलने लगा था, तो ये मसाले हमारे पक चुके थे। और यहाँ पे हमने जो पेस्ट तैयार किया था अपना, वो ऐड कर देंगे। ये ऑलरेडी हमने फ्राई अच्छे से किया हुआ, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल के सारा पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया था उसको अच्छे से डाल लेंगे, और सिर्फ अच्छे से इसको एक बार चला लेंगे इस तरीके से, जब तक ये तेल रिलीज़ ना करे, तब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती है, बिना लहसुन प्याज के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट बनती है, और बेसिक मसालों के साथ। एक बार जरूर इस तरीके से पनीर बना के देखिएगा, इतनी अच्छी खुशबू, इतना अच्छा टेस्ट, और पनीर में प्रोटीन होता है, तो बच्चों को तो आप ज़रूर दीजिए इस तरीके से बना के, बहुत अच्छे से खाना खा लेते हैं बच्चे। बस यहाँ पे हमने ये डाल दिया, इसको ढक लेंगे हम 10 मिनट। ढकने के बाद हम देखेंगे इसमें। और कुछ शिमला मिर्च इसलिए डाले हैं क्योंकि हस्बैंड को शिमला मिर्च पसंद है, आप चाहें तो शिमला मिर्च डालें, और अगर नहीं पसंद है स्किप भी कर सकते हैं। पर इस तरीके से बनाएंगे पनीर को तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बन के तैयार होती है दोस्तों। और ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा गर्म पानी, और एक बार चला लेंगे अच्छे से। और यहीं पर हमने जो अपने शिमला मिर्च बारीक हमने कट किए थे उनको डाल देंगे। बस इस तरीके से आपको चला लेना है, और थोड़ा सा इसको हम ढक के पका लेंगे। वैसे शिमला मिर्च जो है बहुत जल्दी पक जाती है, इसमें ज़्यादा करने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, और अगर नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारी रेसिपीज़ इसमें अपलोडेड हैं, प्लीज़ उनको विज़िट कीजिएगा, और लाइक शेयर कॉमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और यहीं पर हमने नमक डाल दिया है, थोड़ा सा पानी और ऐड किया है नमक डालने के बाद, क्योंकि हमने नमक स्टार्टिंग में नहीं डाला था। नमक डाल देंगे तो ये और अच्छे से पक जाएगा हमारा मसाला और शिमला मिर्च, ज़्यादा इस पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ढक के हम इसको अच्छे से देखेंगे कि
पका है कि नहीं रही, और 10 मिनट बाद जब हम हटाते हैं तो ये देखिए तेल भी रिलीज़ हो चुका है और हमारी शिमला मिर्च जो है बहुत अच्छे से पक चुकी है। यहीं पे हम अपने जो हमारे पनीर के पीसेस थे, आप पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, और अगर आप ऐसा ही खाना चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने अपने पनीर को डाल दिया है। बस अब पनीर को डालने का हम 5 मिनट इसको हार्डली 5 मिनट और पकाएंगे, और हमारी जो है पनीर इस तरीके से बनके तैयार है दोस्तों। फिर आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे, पूरी, जैसे भी आप खाना चाहें आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई थी। और ये देखिए इसका कलर देखिए कितना सुंदर आया, और कुछ भी नहीं डाला है इसमें, ज़्यादा खड़े मसाले नहीं हैं, कुछ लाल मिर्च नहीं है, कश्मीरी लाल मिर्च जो कलर के लिए होती है। इसका खुद का कलर देखिए इतना सुंदर है, तो डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आप ग्रेवी जिस तरीके की आप खाना चाहें, अगर थोड़ा रस वाला खाना चाहते हैं तो थोड़ा पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अलाउ करें आप वैसे इसको बना सकते हैं, बट एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। और जब तक हम खाएंगे ये ऑलरेडी कुक हो जाएगी, तो हमें ज़्यादा इसकी करने की जरूरत नहीं है पानी वानी का। ये अच्छी लगे तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए तेल रिलीज हो चुका है अच्छा खासा, पनीर हमारा बिल्कुल बन के तैयार है, शिमला मिर्च पूरी तरीके से पक चुका है, मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। और जब भी मेरी बेटी खा रही थी ना, यकीन मानिए वैसे वो इतने नखरे, मतलब नखरे क्या, बच्चे होते हैं ना कि खाना ढंग से पूरा नहीं खाते हैं तो फिर चिंता सी रहती है, इसलिए इस तरीके से बनाना पड़ता है कि वो अपना खाना अच्छे से फिनिश करें, अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें। तो इसके कारण हमारे घर में पनीर बहुत बनता है, जैसे सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, वैसे वो खाती सब कुछ है, बट कुछ चीज़ें ऐसी जो उसको बहुत पसंद है जो उसको बहुत अच्छे से खा लेती है। पनीर होता है तो एक रोटी की भूख होगी तो वो दो खा लेती है। इस तरीके से उसने जब खाया और जब उसने फीडबैक दिया कि मम्मा बहुत टेस्टी बना है बहुत ही ज़्यादा, तो लगा कि सच में अच्छा बना है। फिर जब हस्बैंड ने भी बोला कि वाकई में ये बहुत अच्छा पनीर बन के तैयार हुआ है, बहुत अच्छी सब्ज़ी थी। वो पूछे थे मसाले तो नहीं डाले, क्योंकि मसाले उनको पसंद नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए मसाले हम ज़्यादा डालते नहीं हैं, अवॉइड करते हैं, कम मसालों के साथ स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, आपको ये शिमला मिर्च पनीर बनाने का तरीका अच्छा लगा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और एक बार आप लोग जिस तरीके से ट्राई कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो में, तब तक आप इसे इंजॉय कीजिए, खाइए इसको, बच्चों को खिलाइए, टिफ़िन में दीजिए, और इस तरीके से बना के एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको एक नई रेसिपी के साथ, एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, शुभ महाशिवरात्रि, गुड नाइट, टेक केयर।